हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आपके पास यूको बैंक का खाता है और केवाईसी आपका खाता में केवाईसी लग गया है और केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों ये सबसे ब्रांच में सबसे पहले अगर जैसे केवाईसी का अगर नाम लेंगे तो सबसे पहले आपको ब्रांच में जाते ही आपको ये फॉर्म थमा दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि इस फॉर्म के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो लगा करके दीजिए और केवाईसी का फिंगर लगाना पड़ेगा ब्रांच में, वो फॉर्म भर के दीजिए, उसके बाद आपका हम केवाईसी कर देंगे। तो जैसे ब्रांच में अगर केवाईसी का नाम लेंगे दोस्तों, तो वैसे ही आपका ये काम यही पहले सबसे पहले इसमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को किस तरह से, बहुत से ऐसे है कि दोस्तों उनको भरना नहीं आता है, तो अगर आप इसको भरने के लिए प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यूको बैंक का लोगो है और इसके नीचे में शाखा ब्रांच, तो आपका शाखा जो भी होगा, मान लीजिए जो भी ब्रांच का नाम होगा वो ब्रांच का नाम डाल देंगे दोस्तों। और यहाँ खाता नंबर, तो दोस्तों यहाँ खाता नंबर आपको यहाँ पर भर देना है, खाता नंबर भर देना। उसके बाद केवाईसी अगर दोस्तों आज जमा करें तो आज का डेट इसमें आपको भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ खाता धारक का नाम, जो आपका जो अगर आपका खुद का है तो आप यहाँ खुद का जो पासबुक में जो नाम है दोस्तों, वो पासबुक में आपका नाम डाल देना है। यहाँ पर पिता का नाम भी भर सकते हैं और लेडीज हैं तो आप हस्बैंड का भी नाम डाल सकते हैं, या तो पिताजी का भी नाम इसमें भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों पूछ रहे हैं माता का नाम, तो यहाँ पर आपका माता का भी नाम डाल देना है। उसके बाद जन्म तिथि जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर बता रहे हैं, तो यहाँ मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है और या तो आपके खाता में जो नंबर दिया हुआ वो आप चाहे तो नया नंबर भी जोड़ सकते हैं, या तो आपके पास जो नंबर खाता में जोड़ा हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पर भर देंगे, वरना तो आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं वरना तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आपको यहाँ पर भर देना है दोस्तों। उसके बाद अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आधार नंबर तो कंपलसरी है दोस्तों, बिना आधार कार्ड के आपके पास काम नहीं होने वाला है। आधार कार्ड है तो केवाईसी होगा, वरना तो आपका काम नहीं होने वाला है दोस्तों। बिना केवाईसी आधार कार्ड के केवाईसी उच्च नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको उल्लेख में आपको कुछ नाम कुछ डिटेल देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद जो आधार कार्ड में दोस्तों जो आप एड्रेस दे रहे हैं आधार में, वो एड्रेस आपको पूरा यहाँ पर आपको भर देना है, जो आधार कार्ड में होगा पूरा डिटेल भर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फिर दोबारा से यहाँ अकाउंट नंबर मांग रहे, तो जो अकाउंट नंबर आपका दोस्तों पासबुक में होगा वो पासबुक आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद एक यहाँ फोटो लगा देना है दोस्तों, जो अगर आपका खाता है तो आप अपना एक फोटो चिपका करके, उसके बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है, मतलब अपना एक साइन कर देना है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में भर करके मैंने दिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको आपको बता रहे कि इस जगह पर आपको ये करना है वो करना है। तो यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको साइन कर देना है दोस्तों, हम हिंदी में भी लिख देते हैं साइन करना है, जो आपका नाम है। अगर ठिप्पा देते हैं आप साइन नहीं करते हैं तो आप इसमें थंब लगा करके ठिप्पा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसके पीछे में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। और ये केवाईसी अगर ये फॉर्म को जमा कर रहे हैं तो फॉर्म के साथ दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो जरूर इसमें लगा और पासबुक, ये तीन चीज़ दोस्तों इसके पीछे जीरोस करके ज़रूर लगा दें और ब्रांच में जाके जमा करेंगे दोस्तों, तो एक से दो दिन के अंदर में आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा और दोबारा से फिर आप खाते में लेन देन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों ये केवाईसी का फॉर्म भरने का प्रोसेस हमने आपको बता दिया, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों और केवाईसी भरने से कोई परेशानी आपको समझ में आ रहा है, इस वीडियो में आपको मालूम पड़ा, तो आप नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों, फिर मैं दोबारा से वीडियो आपको इस वीडियो को माध्यम से हम फिर दोबारा से आपको न्यू वीडियो इसमें बना देंगे। अगर मालूम इसमें आपको पता चल गया होगा इसका प्रोसेस क्या है भरने के लिए, आपको पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होगा दोस्तों तो मैं दोबारा से इसको वीडियो को कमेंट करेंगे तो दोबारा से वीडियो अपलोड हम कर देंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मालूम आपको पता चल गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको ये सब छोटे मोटे जानकारी और समय समय पर हम आपको समय पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।